अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में आपको बनाना सिखाएंगे दरवाज़ा। और ये दरवाज़ा बनाएंगे हम पूरा लकड़ी से बनाएंगे और बहुत ही कम खर्च में बनाएंगे। और इसमें जो लकड़ी यूज़ करेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होगी। और ये जो हम लकड़ी ख़रीदेंगे वो भी आरे वाली लकड़ी होगी। और ये जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल ही हल्का होगा। और जो बेसिकली ये जो दरवाज़ा बनाएंगे हम अपने स्टूडियो के लिए बनाएंगे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से और अपनी डोर का जो फ्रेम होता है उसके साइज़ के हिसाब से बनाया है। आप चाहें जितना बड़ा या छोटा बना सकते हैं। चलिए आपको ये ज़बरदस्त दरवाज़ा बनाना सिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, डोर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी जो फ्रेम मौजूद होता है उसके हम पेमास्ट ले लेंगे। जिस तरह देखें, लंबाई इसकी 70 इंच है और इसकी चौड़ाई जो होगी वो 31 इंच है। आप 31-32 ऐसे ही है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो आपके दरवाज़ा का फ्रेम हो उस हिसाब से ले सकते हैं। दूसरे, मैं दो लर ले रहा हूँ। ये जो लर हैं ये हमें आरे मशीन से मिली हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगी आपको। 60 रुपये में 5 फीट की मिल जाएंगी आपको। अब ज़्यादा लेंगे तो आपको 50 रुपये में दे देगा अगर। लेकिन ये लरें छोटी थी इसलिए इसको हम जॉइंट करके बड़ा कर लेंगे। हमें इसको 80 इंच तक ले जाना है तकरीबन। देखिए, मैंने उसके ऊपर वो लगा लिया, दूसरा टुकड़ा भी इसकी पेमाइश करते हैं। देखिए, अभी भी इसकी 78 इंच है लेकिन तकरीबन हमारी ये पूरा हो जाएगा। फिर हम इस पर ग्लू लगाएंगे जैसे ये हिले नहीं, इसलिए अच्छी तरह इसमें ग्लू लगाएंगे जैसे ये उख्ता हो जाएंगे, आपस में जकड़ जाएंगे। ग्लू लगा के बाद में हम इसमें स्क्रू लगा देंगे तो ये बिल्कुल ही मजबूती से एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। देखिए, मैंने स्क्रू ले लिए हैं। अब मैं इनको होल भी कर दिया है। अभी इनमें मैं पेशकश की मदद से अच्छी तरह इनको टाइट करके बंद कर देता हूँ। मैं इसमें पहले 3 एक लाइन में लगाऊंगा, 3 दूसरी लाइन में। इस तरह 6-7 इसमें स्क्रू लगा के देंगे जिससे इसमें मजबूती बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि इसे हम दरवाज़ा बनाएंगे, बाद में हिलेगा तो ये टेढ़ा भी हो सकता है। इसलिए हमने, देखिए, मैंने स्क्रू लगा दिया। बाद में इनको जो बाहर निकले हुए थे इनको फिनिशिंग दे के बराबर फुल सेट कर दिया है, जिस तरह देख सकते हैं आप। देखिए, 2 टुकड़े हम इसके ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये भी वही लर के हैं जो हमने आरे से ख़रीदे हैं, कुछ इस तरह देखेंगे। बाद में हम इसको इस तरह मार्क करके, इसकी लंबाई जो बढ़ रही है इसलिए इसके मार्क करके थोड़ा इसका हिस्सा जो साइड से काट देंगे 1 इंच के हिसाब से। देखिए, साइड से हम 1 इंच पर मार्क करके ये जो इसका टुकड़ा है एक्स्ट्रा ये कट कर देंगे, क्योंकि ये इसमें मजबूती से जकड़ जाएगा और इसमें फिट भी बैठ जाएगा। इसलिए हम इस साइड से 1 इंच के हिसाब से इसको मार करके कट कर देंगे। जिस तरह देख सकते हैं मैंने मार्क कर लिया है और काट भी दिया है, कुछ इस तरह दिख रहा है हमने काटा है। देखिए, अभी इसमें आसानी से फिक्स हो जाएगा। अभी इसमें ग्लू लगा के हम इसमें कीने लगा के इसको मजबूती से बंद कर देंगे। आप याद करके ग्लू लगाए, मैं इधर भूल गया था। आप इसमें याद करके ग्लू लगा के बाद में कीलें जो लगाएंगे ये बहुत अच्छी तरह और मजबूती के साथ चिपक जाएगा, क्योंकि ये हम ग्लू जो लगाएंगे ये बाद में जो हिलेगा नहीं, ये जो कीलें बाद में हिल भी सकती हैं। और ये ग्लू जो लगाएंगे इसको अच्छी तरह ग्रिप करके रखेगा और निकलने का कोई ख़तरा भी नहीं होगा, इसलिए ग्लू लगाते हैं क्योंकि इसमें मजबूती से चिपक जाएगा। आप इधर स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं, कीलें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीलें या स्क्रू वो आप पर डिपेंड करता है जो आप क्या यूज़ करते हैं। देख सकते हैं हमने इसका फ्रेम बिल्कुल इस तरह तैयार कर लिया है, जिस तरह देख सकते हैं आप। दूसरे 2 टुकड़े मैं छोटे टुकड़े ले लिए हैं। अभी हम इसके अंदर से भराई करेंगे, इसलिए आप अपने हिसाब से छोटे टुकड़े इसमें लगा सकते हैं, बड़े लगा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से इसके अंदर भराई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे क्योंकि ये आपको पता है मजबूती देगा, इसलिए हर चीज़ जो लगाएंगे, लर या शीट इसके ऊपर लगाएंगे, सब में हम इसके ऊपर ग्लू लगाते जाएंगे। देखिए, ग्लू लगा लिया, बाद में इसमें मैंने 3 इंची कील लगा के इसको बंद कर दो लगा दूंगा। आप ध्यान रखें, इसमें जो आप जो कीलें लगाते हैं पहले होल करें, बाद में कील लगाएं, क्योंकि ये बबूर की काठी होती है, इस पर जो दरार है ये जल्दी आ जाती है। इसलिए कीलें जो डायरेक्ट लगाएंगे इसमें दरार आने का या कील मुड़ जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप पहले इसमें होल कर दें, बाद में आप इसमें कीलें लगाएं। देखिए, 3 टुकड़े दूसरे मैंने लिए हैं। अभी इसके अंदर हम भराई करेंगे कुछ इस तरह। देखिए, मैं साइड से लगाता जा रहा हूँ। आप 3, 4, 5, 6 अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जो आपके पास मौजूद है कितने लरें हैं।
जब बाद में आप पहले आप 3-4 लगाएं, बाद में आप इसमें शीट लगा के बाद में इसमें अच्छी तरह भराई करें, फिर भी कोई मसला नहीं है। इसमें भी मैं ग्लू लगा देता हूँ। फिर इसको अच्छी तरह बंद कर देंगे। फिर आप इसमें कोके लगाएं या ना लगाएं, फिर बाद में कोई मसला नहीं है। लगाएं तो और अच्छा है, नहीं लगाएं तो कोई मसला भी नहीं, क्योंकि हमें इस अच्छी तरह इसमें फिक्स आ जाएगा। लगाते तो और बेहतर है। आप इसमें कीलें या स्क्रू लगा देंगे तो निकलने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। जिस तरह देख सकते हैं हमने इसके अंदर से भराई कर ली है। दूसरा मैंने ग्लू ले लिया, अब इसके ऊपर हम शीट लगाएंगे, लेमिनेशन नहीं सॉरी इसको शीट ही बोलते हैं। सब के ऊपर पूरे फ्रेम पर मैं ग्लू से इसको भर दूंगा, अच्छी तरह इसमें ग्लू लगाएंगे, क्योंकि ग्लू जो लगाएंगे हमारी शीट है इसके ऊपर मजबूती से चिपक जाएगी। फिर इसके हम जो ऊपर जो कीलें लगाएंगे तो फिर इस पर अच्छी तरह ग्रिप हो जाएगा, ये निकलेगा भी नहीं। देखिए मैंने सारे को ग्लू लगा दिया है, बिल्कुल ही इसमें मैंने ग्लू से भर दिया है पूरे फ्रेम को, और इसमें अच्छी तरह अभी इसमें पूरे को बिखेर देंगे। जिस तरह देख सकते हैं पूरे को मैंने ग्लू में भर दिया है। अब देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर शीट रख के फिर इसके ऊपर कीले लगा दूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करें, ग्लू सूख नहीं जाए। देखिए मैंने इसको शीट के ऊपर रख दिया, अभी शीट को फिक्स करके इसके ऊपर मैं कीले लगा के इसको बंद कर देता हूँ। देखिए इधर मैं कब्ज़े ले लिए हैं, इसमें हम 3 कब्ज़े लगाएंगे। पहले हम इस कब्ज़े को लगाने के लिए पहले मार्क कर लेंगे, क्योंकि कब्ज़े लगाने के थोड़ा हमें इसको इसको नीचे करने में काटना पड़ेगा। पहले मैं इसको हैंड साक की मदद से इसको अच्छी तरह काट देता हूँ। बाद में देखिए मैंने इसको अच्छी तरह थोड़े थोड़े कट लगा के बाद में इसको छन्नी की मदद से कुछ इस तरह हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए ये आसानी से इसमें गिर जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें काम नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा कट लगाते लगाते आप इसमें इसको अच्छा नहीं चीज फिर इसको आप हटा सकते हैं। इसमें साइज़ भी आपका बराबर रहेगा, ऊपर नीचे भी नहीं रहेगा, और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह देख सकते हैं ये बराबर कट चुका है। अब हम जो कब्ज़े में स्क्रू लगाएंगे उसके लिए हम इस कब्ज़े को रख के फिर इसमें अच्छी तरह फिक्स करके इसमें होल कर देंगे। होल पर जो थे उन पर हम सॉरी मार्क कर लेंगे। मार्क करके बाद में देखें मैंने इसमें होल भी कर लिए, अभी मैंने स्क्रू ले लिए हैं। अभी इसमें स्क्रू जो अच्छी तरह फिक्स कर दें। 4 स्क्रू लगाएंगे, क्योंकि बाद में ये हिल नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए, ये स्क्रू जाए लूज़ नहीं हो जाए, बाद में ये हमने मसला पैदा कर लेगा दौड़, इसलिए हम पूरे इसमें स्क्रू लगाएंगे। पूरे जो स्क्रू लगाएंगे पूरी मजबूती के साथ इसको पकड़ के रखेंगे। अगर हम एक स्क्रू छोड़ देते हैं या 2 छोड़ देते हैं तो फिर ये हिलने का या निकलने का बाद में ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए हम पूरे स्क्रू लगाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छी तरह ग्रिप कर लेगा। जैसे दूसरा देख सकते हैं मैंने हल दराज ले लिया है और उसका पूरा सेट है। इसमें अभी इसको भी हम फिक्स कर देंगे। पहले मैं इसको ऊपर रख के मार्क कर लेता हूँ, बाद में इस पर हम होल करके इसको फिट कर देंगे। देखिए मैंने इस पर रख दिया है, अब इसमें होल कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको मार्क कर लिया, अभी मैं इस ड्रिल मशीन की मदद से इसमें जो इधर मार्क किया है इसमें हम होल कर देते हैं। देख सकते हैं मैंने सारा हमें बिल्कुल ही बराबर होल कर दिया है जिधर हमने मार्क किया था। अभी हमने इसको फिक्स करना है। पहले हम स्क्रू लगा के जो हमने पास बोल्ट है उसको लगा के उसको बाहर निकाल लेंगे, बाद में हम इसमें नट लगा देंगे। अभी इसमें मैं नट फिक्स कर देता हूँ। नट को अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। देखिए जो हमने इस पर लार लगाई थी साइड में बिल्कुल ही इस पर दरमियान में मैंने होल किया है, डायरेक्ट शीट पर नहीं किया, क्योंकि वो कमज़ोर होती होगी, इसलिए इसको आप पहले सपोर्ट दे दें लार के साथ, फिर आप इसमें हल दराज फिक्स करेंगे तो बहुत ही इसमें अच्छा काम करेगा, इसमें कोई ख़तरा नहीं होगा जब अपने शीट टूटने का। जिस तरह देख सकते हैं दूसरी साइड भी मैं इसको बंद कर देता हूँ। थोड़ा मैंने हल दराज में लगाने में गलती कर दी, जो पीछे से जो हमारा ये था ये जो कब्ज़ा होता है इसको थोड़ा पीछे लगा देंगे तो हमारा ये अच्छी तरह मार्क कर देंगे। देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है, पीछे थोड़ा लगा दिया है, अच्छी तरह हमारा हल दराज काम कर रहा है, और देखिए हमारे कब्ज़े भी अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसको मैं अपने स्टूडियो में बाद में फिट कर दूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही था।
जिस तरह देखते हैं तीनों कब्जे ही अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये दरवाज़ा की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे दीजिए दोस्तों, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।